खबर चंपावत से। चंपावत के सीमांत टनकपुर महाविद्यालय में नमामि गंगे का नदी उत्सव समारोह किया गया। टनकपुर महाविद्यालय में नमामि गंगे का नदी उत्सव भव्य तरीके से शुरू हो चुका है। शहर में पहली बार शास्त्रीय संगीत की अद्भुत जुगलबंदी इस मौके में सुनने को मिली। संगीतज्ञ डॉक्टर पंकज उप्रेती, धीरज उप्रेती ने रागदेसी की अवतारणा विलंबित और मध्य लय में करते हुए श्रोताओं को मुग्ध किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस के अध्यक्षता में हुए समारोह में सबसे पहले छात्राओं ने सरस्वती वंदन गीत और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। श्रीमती सुषमा ने नमामि गंगे पर आधारित कर्णप्रिय गीत प्रस्तुत किया। महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण के लिए आदरणीय गुलमोहर गर्ल्स से मशहूर तनुजा जोशी और आचार्य धीरज उप्रेती को सम्मानित किया। इस समारोह में अध्यापिका कल्पना धामी, श्रीमती लीला तिवारी, डॉक्टर प्रभा जोशी, शम्मी कोहली, तबला वादक नीरज कापड़ी आदि अनेक गणमान्य लोग रहे उपस्थित। का अमृत महोत्सव इस समय पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी के तहत एक सांस्कृतिक महफिल हमने आज यहाँ करी और कोशिश है कि किसी न किसी बहाने हर माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए। और चूंकि शास्त्रीय संगीत एक पूरे विश्व में पुरातन और यहाँ का एक शास्त्र से जुड़ा हुआ भारतीय संगीत की अपनी महत्ता है, तो सबसे सुगम माध्यम भी होता है संगीत सबको जोड़ने का। इस बहाने से आयोजन आज किया गया था इस महाविद्यालय। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत टनकपुर उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।